नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। श्री राम, जय राधे राधे। दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह, स्वर्गीय तूफानी राय का नाती, जो हमारे शाहबाद जिला के इंजीनियर थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का पुत्र, जो मयूर होटल का प्रोप्राइटर आज बना हुआ है, लेकिन मैं जो भी हूँ अपने पूर्वजों के बदौलत हूँ। आज हम मयूर होटल, इस मयूरी ई रिक्शा परिवार और इसके अंदर जो पर्व फाइनेंस अवस्थित है, उसके तरफ से अपने पूरे क्षेत्रवासी, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा, पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासियों को आज मकर संक्रांति और 26 जनवरी की मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। और आपसे ये गुजारिश भी करना चाह रहा हूँ कि ये सर्दी का मौसम है, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ही नहीं इस देश की आवश्यकता आपको है। तो इसलिए इस सर्दी के मौसम में बचाव का जो तरीका है दोस्तों, बहुत सारे जगह मीडिया के भाई द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि आप गर्म कपड़ा पहने, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, गर्म खाने का प्रयोग करें, शुद्ध खाने का प्रयोग करें, हाथ धोकर खाएं, हल्का हल्का पानी जो गर्म हो उसे पिएं, इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप किसी भी बीमारी, किसी भी ठंड से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर होगी। तो आइए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप हर तरह से परिपूर्ण हो, सुख समृद्धि आपके घर में आए। ये मकर संक्रांति का पर्व जो है दोस्तों, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, मेरी भी राशि मकर है, तो मैं चाहूँगा कि भगवान मुझ पर कृपा करें, आप सब पे कृपा करें, मेरे देशवासी जहाँ भी हों, आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने बचे, अपने पूरे परिवार को बचाएं, जानवरों को बचाएं, पशु पक्षियों को बचाएं। मनुष्य जीवन आपको इसीलिए मिला है कि मानव जीवन में आप किसी भी जीव को बचाएं। और हम मीडिया के भाइयों का बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये चौथे स्तंभ के रूप में कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, तो मैं इसके लिए भी गुजारिश करूँगा, चाहे मेरे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, पुलिस पदाधिकारी हों, या गाँव के कोई मेरे प्रतिनिधि हों, जो जीते हुए हैं, हम लोग हारे हुए प्रतिनिधि हैं, जीते हुए प्रतिनिधियों से भी अपील है कि आप सारे लोग मिलकर, जो हमारे मीडिया के भाई हैं, उनको मदद करें, उनको आप इतना योगदान दें कि वो आपकी हर चीज़ को बढ़ चढ़ के दिखाएं और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि मीडिया के द्वारा उठाया गया कोई भी चीज़ दोस्तों आपके जिला से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो आइए हम आपको एक आवाज़ देते हैं, आप मेरे आवाज़ के साथ आइए और सर्दी के मौसम में बचिए, जागरूक होइए, अपने अधिकार को जानिए और जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है उसका आप सदुपयोग करें। और मैं अपने पूर्वजों को बारंबार नमन करता हूँ, जिनके चलते मुझे ये मयूर होटल मिला, जिसके चलते मुझे ये जीवन मिला। आइए दोस्तों, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा कि देश की तरक्की, आपकी तरक्की, विश्व की तरक्की, देश की तरक्की और गांव की तरक्की, जवार की तरक्की होती है दोस्तों। तो आप अपने गांव की तरक्की कराएं, जवार की तरक्की हो जाएगी, जवार उठेगा, जिला उठ जाएगा, जिला उठेगा, बिहार उठेगा, बिहार उठेगा दोस्तों, आपका देश समृद्ध हो जाएगा। तो आइए, जय श्री राम, जय राधे राधे। हम आपको पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः माँ से मैं कामना करता हूँ, प्रभु श्री राम मेरे अयोध्या में आ रहे हैं, ये राम की नगरी है दोस्तों, और जब राम राज होगा तो कोई शासन नहीं होगा, कोई प्रशासन नहीं होगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा, जैसे पहले राम राज्य में होता था, या हमारे ऊपर हो या आपके ऊपर हो। तो आइए राम राज्य की भी हम कल्पना करें और हमारे धर्मों के अंदर सारे धर्म के
लोग आ जाते हैं क्योंकि हम ही ने सुनने दिया है, हम ही ने दोस्तों ग्रह पे जाने की रास्ता बताई है, हम ही ने सूरज और चांद के बारे में बताया है। तो आइए हम मानव जीवन के बारे में भी बताते हैं। हमारे यहाँ की जो समृद्धि है, मेरा पहनावा है, वो पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आइए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः आपको नमन करते हुए जय श्री राम, जय राधे।